शाम में अचानक बारिश का मौसम बन गया। मैंने सोचा पेट्रोल डलवा लूँ और बारिश का ब्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लॉग शूट करने की कोशिश करी यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई और मैं इस तरह ब्लॉग शूट नहीं कर सका क्योंकि मैं अकेला था। फिर मैंने घर जाने का फैसला किया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया है जो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। कराची में सब बारिश हो रही है और मैं बारिश का ब्लॉग बनाने निकला हूँ। दिखाता हूँ कि सड़कों की क्या हाल है और किस तरह हमारी सड़कें जेरे आब आ जाती हैं थोड़ी सी बारिश के अंदर ही। छपड़ी यूट्यूबर, ये हमारा हाई स्टार स्कूल का रोड है जो बहुत ही ख़राब हालत में है। अभी हम इस पर सफ़र कर रहे हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, आप देख सकते हैं उन गड्ढों में पानी है। अच्छा, ये जो रोड है ये जा रहा है रहमानिया मोड़ की जानिब। जो लोग नॉर्थ कराची में रहते होंगे वो इस रोड से बखूबी वाकिफ होंगे। ये वन वे हुआ हुआ है क्योंकि एक साइड रोड बन रहा है इसका और काफ़ी अरसे से बन रहा है, अलग रही रोड बन जाए। और आप देख सकते हैं ये वन वे है और यहाँ पर पानी भी खड़ा हुआ है और लोग सफ़र भी कर रहे हैं। इसके निचला जो इलाका है वो पूरा ज़ेरे आब आ जाता है क्योंकि वो निचली आबादी की तरफ है, तो वहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात हर साल बारिशों में होती है। हमारे कराची में यूँ तो बारिश होती नहीं है और जब बारिश होती है तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्रेन निज़ाम है यानी पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो बहुत ही कच्चा है। यूँ कह लें कि उस पर काम ही बहुत कम किया जाता है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बारिश जो है ना यहाँ पर बहुत कम होती है। जो गटर होते हैं, जो नाले होते हैं, उसके अंदर लोग कचरा डाल देते हैं और हुकूमत जो है उसको मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा साफ़ करती है, वो भी बार बार साफ़ नहीं करती। और ये बार बार देखने में आया कि बहुत सारा कचरा जो है गटर में होता है, जो बारिश के नाले होते हैं उनके अंदर वो निकासी आब नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े होते हैं। जो पानी तकरीबन एक घंटे में निकलना है वो पाँच पाँच छः छः घंटे में खड़ा रहता है। हमारी कराची की सड़कें हैं, बारिश के दौरान आप देख सकते हैं, बस ये गाड़ी स्लिप ना हो जाए। ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं यहाँ पर, अगर अरबर फ्लडिंग की सिचुएशन होती है तो बंदे डूब भी सकते हैं इसके अंदर। ये देखें हमारी रोड्स का हाल कितना बुरा है। ये हमारे नॉर्थ कराची की एक शान है कि पूरे कराची में बारिश नहीं होगी ना तो यहीं पे बारिश हो रही होती है। अब हमें पूरे कराची का नहीं पता है कि वहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो ज़रूर हो रही होती है। ये नॉर्थ का एरिया कहलाता है कराची का और शुमाली इलाका जाते हैं हमारा, ये यहाँ पर ज़रूर बारिश होती है। ये तो साफ ही रोड हुआ, अपना दांत को हटाओ।